नमस्ते इंडिया न्यूज, आपका स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज वाराणसी। बनारस जिले के हर शहर व पोस्ट पर मैं गया, जगह जगह पुलिस की व्यवस्था बहुत ही जबरदस्त और सराहनीय रही। कहीं कहीं देखने को मिला कि कुछ लोग जो प्रशासन के साथ अभद्र व्यवहार करते नजर आए, और वहीं पर मुझे भागीरथी अर्पण फाउंडेशन के द्वारा गरीबों को भोजन वितरण कराते संस्था की संस्थापिका प्रिया श्रीवास्तव व उनके समर्थन नजर आए। भाई साहब, क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम ईश चंद यादव है। ईश चंद यादव जी, जी आप चौकी इंचार्ज मामूरगंज, चेकिन करते हुए जो है कि मौके पे मैं आया और मुझे मिले और दूसरे साई राहुल यादव, आप पेशेंट दिए हुए हैं इस बंदी में, ये लोग को भी काफ़ी परेशानी की सामना करनी पड़ रही है। और बताइए, आप ऐसा ही मेमोरगंज राहुल यादव जी, आप बताइए, दिन सुबह से मैं देख रहा हूँ, मैं अभी जब आया हूँ तो काफ़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा है, और क्या रहा दिन भर, कैसा रहा और जनता आपके साथ कैसा साथ दी? और आप लोग का तो अथक परिश्रम मैं देख रहा हूँ, मैं सुबह से गश्त कर रहा हूँ, पुलिस प्रशासन की बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था रही है और ज़बरदस्त ड्यूटी निभाते हुए हमें हर जगह नज़र आए। और आप बताइए, पब्लिक सपोर्ट कर रही है बट मानने को तैयार नहीं है। हम लोग लगे पड़े हैं, तत्पर लगे पड़े हैं जी, कंटिन्यू लगे पड़े हैं, सारी कोशिशें जा रही हैं, आप देख ही रहे हैं कंटिन्यू जी जी, बाइकर्स निकल रहे हैं जी जी, कोई हॉस्पिटल के लिए है, कोई दूर है, लेकिन इंस्ट्रक्शन था 12 बजे तक दुकानें शॉप खुली, 5 बजे तक सब्जी उब्जी ले सकते हो आप। अच्छा, बट अभी भी 5 बजे के बाद भी पब्लिक जा रही है जी, लेकिन जी। कल से बेटर है। हाँ, कल से बहुत बढ़िया है, कल से बहुत बढ़िया है। और आप लोग का प्रशासनिक चालान और मुकदमे FIR हुए हैं? कितने मुकदमे हुए हैं? अब कुछ बहुत सारे मुकदमे हुए टोटल। हाँ सर जी 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 जी, चालान हुए, मैनुअल हुए, ऑनलाइन हुए जी जी जी। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।